हिस्ट्री ऑफ बैंकॉक हिस्ट्री ऑफ द बैंकॉक बैंकॉक हैव 250 इयर्स अगो के कहने पे हो जाते हैं तो पहले आओ हैं देखा वाणिया तो पहले आओ नहीं सर असि नहीं वंडनिया वंडनिया तो दस दो असि बाहर वंड लांगे सर बाहर नहीं वंडनिया ना तो बाहर घर ले लो आजो नहीं सर असि बाहर किने मंगिया इथे पहले अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग मेरा नाम है फ़ात खान उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह कल हम बैंकॉक पहुँच चुके थे और माशाल्लाह से सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है बहुत मज़ा आ रहा है आपको मैंने अपना ये रूम टूर भी दिया है और बैंकॉक माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सिटी है तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले नीचे जाएंगे लॉबी में वहाँ पर जाके पहले इनकी तरफ से नाश्ता होता है डेली पहले हम नाश्ता करेंगे। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग कैसे हो कैसे लाला जी वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक नाश्ता कर लिया आपने बोले पराठे पराठा भी है और अंडा भी है छोले वगैरह मक्खन वगैरह सब कुछ है। मजा आया सिर्फ चाय नहीं है बस चाय नहीं कॉफी है बस कॉफी है चलो चाय का बंदोबस्त करवा देते हैं आपका और आप नाश्ता ठीक ही है यहाँ पे नाश्ते में सेम वही चीजें जो हमें बताया सिटी में मिली थी फ्रूट वगैरह रखे हुए ये सलाद है कॉर्न है ये चटनियाँ रखी हुई है ये चने ये सालन पता नहीं कौन सा है ये रोटियाँ ये भी पता नहीं क्या है ये सब्जी ये चावल ये भी चावल और बाकी पाकिस्तानी नाश्ते में कुछ जो चीज़ें हैं वो बाहर लगी हुई हैं जैसा कि ये पराठा अंडा पराठे तो अंदर है अंडा है ये सब सॉसेस वगैरह रखी हुई हैं मसाले बॉयल भी करके रखे हुए इन्होंने अंडे ये देखें बॉयल अंडे मौज तो पूरी लगाई पड़ी है भाई और ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह सुबह सुबह का टाइम है 8:15 अभी पाकिस्तान में तो अभी 6:15 का टाइम हुआ है और यहाँ पे 8:15 हो रहे हैं हम यहाँ पे उठ भी गए अभी तो पाकिस्तानी सो रहे होंगे इस टाइम तो ये देखें इसमें हम रात को गए थे जनता लेके जाती मेरा नाश्ता आ गया ये वाला ये चीज़ें मैं चेक करूँगा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बाकी फ्रूट खाने का ना अपना टेस्ट है और मज़ा भी आता है फ्रेश भी इंसान हो जाता है जब से मैंने इधर आके ये चीज़ें शुरू की है ना मुझे तो वाकई लाइफ में कुछ चेंजिंग नज़र आई है कि गोरा लोग ऐसे नहीं सुबह सुबह फ्रूट वगैरह खाते हम पाकिस्तान के अंदर बस चाय पराठा खा ले तो कहते नाश्ता हो गया जी हाँ जी काम चल रहा माशाल्लाह माशाल्लाह वाह भाई वाह मेरी चाय तैयार हो गई ये भाई ने मुझे चाय तैयार करके दी है बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी भाई जान ये अपना स्पून ले लें ये अपना शुगर डालें सही जबरदस्त सिस्टम हो गया यार ये तो चाय का ये प्योर गाय के दूध की चाय है और अपने स्वाद है मजे की हम ऐड नहीं करते सिर्फ सिर्फ इसमें ऐड होते हैं आपके मेन में सिटी ओरिएंटेशन होती है अच्छा लेकिन वो अपने खुद जाएंगे कि हम बार बार से गुजर जाएंगे बार बार अच्छा अच्छा हम गोल्डन टेंपल जा रहे हैं इसके अलावा 2-3 स्पॉट और हैं गाइड हमारे साथ है वो मैं अभी पूरा गाइड कर देंगे कितने काम करना है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया अब हम जा रहे हैं सिटी टूर करने के लिए वो सामने हमारी बस खड़ी हुई है ये जो मैडम आगे जा रही है ना ये बस लेके आई हुई है इन्होंने नाम लिखा हुआ था हमारे ग्रुप का तो हमें पिक करने के लिए वेट कर रही थी ये हमारी टूर बस है आपके भाई को फ्रंट पे जगह मिली है हम फ्रंट पे बैठे हैं और सब लड़के ये आ गए हमारा ग्रुप बैठा हुआ बस चलो आज नाउ टुडे आई विल टेक यू आवर सिटी टूर एंड डिनर क्रूज टुनाइट ओके ओके सो नाउ वी आर स्टार्ट फॉर सिटी टूर फर्स्ट वी गो टू गोल्डन बुद्धा टेंपल
We go to Golden Buddha Temple. In the Golden Buddha, it's made from the real gold. Real gold? Yeah, real gold. Wow. 5.5 tons. 5.5 tons? Yeah, it's a position, levitation. Yeah, sitting, levitation position. And if the Buddha, Golden Buddha, have the age more than 900 years ago. 5,000 years ago? No, no. मतलब ओल्ड टेम्पल है जहाँ पे हम जा रहे हैं, नौ सौ साल हजार साल के करीबी मतलब. And this Buddha island. Yeah, and only Bangkok is many hundred temple. Yeah, if you see now on the way have many Thai Buddhism. मजहब से जो बाहर है वो कितने परसेंट लोग रहते हैं यहाँ पे सब कुछ बता दिए. मैंने तो नवा यूट्यूब और टिकटॉक साथ ना आ जा रहे हैं. अभी कपाल मारने हैं. ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੋਰੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਉਂਝ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ. Okay, this is the main road. We are called Sukhumvit. Sukhumvit road, this one. Okay, yeah, either no. And Sukhumvit road, upper we have metro. Metro is not all in the Bangkok. Some area like a business area or very very traffic jam area. We have metro. Yeah. कहिए बड़ा बिजी एरिया है ये जो बैंकॉक का है ना. हिस्ट्री ऑफ बैंकॉक. हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ द बैंकॉक. या बैंकॉक इज हैव 250 इयर्स अगो. या 250 इयर्स अगो. या एंड ओ ओ सिटी मोर देन बैंकॉक इज अयोध्या. व्हेन अयोध्या दे आर हैव ये कह रहे हैं कि ये 250 साल पुराना सिटी है बैंकॉक जो है, और ये बड़ा बिजी सिटी है और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हब है ये थाईलैंड का बैंकॉक, और इधर ट्रैफिक का बड़ा जोर होता है, बिजनेस सिटी है ये और कैपिटल है थाईलैंड जो है. सिटी के नज़ारे करें जरा सुबह सुबह. यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ना ट्रैफिक जैम हुई हुई है, तो पूछते हैं कि क्यों हो रही है यार, क्यों जाम है ट्रैफिक है यार. सूर के ना लोगों को मेरे को लैंड भी लगे ने, कहते राम राणा प्यार बने एक दूजे मर जा रहे हैं. ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਵੜਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੱਟਾ ਕਰਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ. ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਦੇ ਭੈਣ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗ ਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੇ ਚਲਤੇ ਹੈਂ, ਏਕ ਸੇ ਏਕ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇਂ ਗਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ. ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ. नहीं यार पंजाबी बोल रहा ना, समझ नहीं आ रही है. वो कह रहा है कि ये डिसिप्लिन से नहीं चल रहे, वो कह रहे हैं डिसिप्लिन से चल रहे, सोचे ट्रैफिक क्या है, उल्टा कर रहा उसको, उल्टा कर रहा है. बड़ा है
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕਾਕ ਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨੈਟ ਪੇ ਦੇਖਦੇ ਥੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਾਈਵ ਘੁੰਮਣੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਹਾ ਹੂੰ ये देखे हम चाइना टाउन आ गए ये पूरा चाइना बना हुआ है जैसे उधर हम कल अरेबिक फूड वाली साइड पे गए थे ना वहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा था मिडल ईस्ट में आ गए दुबई कतर वगैरह ये ऐसा लग रहा है चाइना में आ गए इतना प्यारा टेम्पल बना हुआ हमारा भी इशारा बंद है जब खुलेगा ना फिर जाएंगे हम रोड क्रॉस करेंगे ना पाकिस्तान वाले साहब नहीं अंधी धूमी भागी जाओ ये सामने चाइनीज टेम्पल है हम इधर जा रहे हैं 10 फरवरी को चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो उसके लिए सजावट वगैरह कर रहे हैं ये स्टॉल लगे हुए सारे चाइनीज बैठे हैं तस्वीरां खिंच के ना ते चाली बाद ही देंदे ने हेलो हेलो देखो पर्स ले लो ये हमारी लाइन बनी हुई है और ये सारे पीछे आ रहे हैं कैसा पैकेज हमें माशाल्लाह से मिला हुआ है 100 बात की टिकट अंदर जाने की लेकिन ये भी हमारी अंदर इंक्लूडेड है वो लड़की लेने गई थी हमें सबको इधर रोका थे इन्होंने अब हम अंदर जा रहे हैं ये है भाई टेंपल ये जो बता रही थी ना ये वाला टेंपल है मुझे काफ़ी दोस्तों की फरमाइश आई थी कि फाज भाई आप वो टेंपल में नहीं गए जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं थाईलैंड में बड़ा मशहूर है तो वो ये था ये देखें ये सीढ़ियाँ चढ़ के ये ऊपर जा रहे हैं हम ये सारा चाइना टाउन है मेरे इस तरफ राइट साइड ये सारा टेंपल बना हुआ है ऊपर आ गए हम अभी हम वहाँ से आए इधर फिर यहाँ से फिर दोबारा ऊपर देखें ये इनके भगवान हैं बुत हैं और ये पूजा कर रहे हैं चाइनीज हैं ये सब इतना बड़ा टेंपल बनाया हुआ है इधर ऊपर देखें इधर लाउडली बोने की इजाज़त नहीं है तो मैं ज़रा स्लो बोल रहा हूँ उम्मीद है आपको आवाज़ सही आ रही होगी की कहंदे पियो जात बंडियां ते पैसे ले आओ हैं देगा बंडियां ते पैसे ले आओ नहीं सर असि नहीं बंडनियां बंडियां ते दस दियो असि बाहर वंड लांगे सर बाहर नहीं बंडियां ना तबर घर ले लो आ जाओ नहीं 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 सर असि बाहर ये जैसे दादा दरबार में जाते पकड़ लेते ना के आज जा रहे देख वाले आगे वो ही हरकतें कर रहा है कहने तो मामा किन्ने किन्ने मंगिया ने अभी अब देखिए कहाँ इतनी हाइट पे चढ़े हुए ये थाईलैंड ये देखें इनके सारे पता नहीं घर बने हुए एक जैसे ये होटल है क्या है देखें इनके भगवान भी यहाँ पे मेरे छोटे छोटे से और तो बड़े है भी यही है एक ये वाला है एक ये
टेम्पल देख के हम आ गए, बहुत जबरदस्त बना हुआ है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखते हैं हम कहाँ पे लेके जाते हैं। अभी अनाउंसमेंट होगी फिर पता चलेगा। बाकी बात कर लेते हैं बैंकॉक के मौसम की, तो बहुत ही गर्म मौसम है यहाँ पर। यहाँ पर गर्मी तो है लेकिन पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है, दोनों गर्मियाँ ना डिफरेंट हैं। वहाँ की गर्मी में हब से गर्मी पसीने छूटते हैं और यहाँ की गर्मी में ना ऐसी सुइयाँ चुभती हैं जैसे किसी ने चींटियाँ छोड़ दी जिस्म के ऊपर, पता नहीं स्किन जल रही होती इस वजह से। तो शदीद गर्मी हो रही है यहाँ पे, मुझसे तो मैं तो पाँवों में खुजली होने लग गई, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं कहा कहाँ आ गए इतनी गर्मी के अंदर। अब गाड़ी में बैठे ऐसी चला, मजा आ रहा है। अमेजिंग थाईलैंड, ये बात कर रहे हैं। ये जो अभी हम टेंपल देख के आए ना, उसके अंदर जो उनका बुद्ध था ना, वो टोटल गोल्ड का था और पता नहीं कितने हजार टन, 9 टन उसका वजन है और टोटल गोल्ड का है। तो लड़के ये मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं सानू ओदा के हल्का जिहा पैर ही ला के दे हड़न ना ते साडा पाकिस्तान दा कर्जा लग जांदा। ये हम बैंकॉक सिटी टूर कर रहे हैं, एक हम टेंपल देख के आ गए, अब हम दूसरा सिटी टूर करने के लिए, दूसरा टेंपल देखने के लिए जा रहे हैं। ये अब हम सेकंड टेंपल में आए, ये देखते हैं अंदर जाके कैसा बना हुआ है। ये सामने जा रहे दूसरे टेंपल में एंटर हो रहे हैं। ये कह रहे हैं मिनी टेंपल है, वो बड़ा था जो देख के आए, पर ये छोटा है। ये कॉइन डाले इन्होंने छोटी छोटी, देखे कैसे पुरानी से पुरानी कदीम जमाने की चीजें रखी हुई है इन्होंने। क्या चीज है ये? जेड स्टोन, 100 बात का है। क्या बात है ना,1-2 किलोमीटर का फासला इसके। हम बात कर रहे हैं, मैंने जहीर से बोला जहीर ये जो बुद्धा लेटा पड़ा है ना, इसकी चादर के नीचे पना ले ले, इधर लेट जा जाके पुलिस वाले ढूंढेंगे, जब हम सारे पाकिस्तान चले जाएंगे तो कहेगा तो रही है पाकिस्तान, फिर जाके दिन में दिहाड़ी लगा के रात को इधर आके सो जाया करेगा, पुलिस ने कदम बना ही तेनू। बड़ा सही रहने की तरीके और रहने की जगह सोनी है, वड़ मेरा पुत वड़ अंदर वड़ सोइया। एक ये रहा दूसरा टेम्पल, बड़ा वाला तो उधर था ना, इसके साथ एक और बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बैठ के पूजा वगैरह करते हैं। ये बना हुआ है, कितनी प्यारी पेंटिंग है दीवार पे, पेंटिंग देखे कितनी कमाल की हुई है, कदीम जमाने की। उनका भी एक कल्चर है, वो गायें बंदी पड़ी हैं। ये सामने एक और बुद्धा बैठे पड़े इनके, एक ये इधर भी है अंदर अंदर बैठे हुए, देखें कैसा बना हुआ, पूरा ऐसा लग रहा है चाइना में हम घूम रहे हैं। इनके टेंपल हैं चाइनीज टेंपल, इसी तरह के होते हैं, ये देखें इनका कल्चर। ये देखें मलेशिया के लोग, थाईलैंड के, सिंगापुर के, ये सब लोग चाइना, जापान, हांगकांग, इनके ऐसे ही ये एक ही मज़हब के होते हैं और एक जैसा इनका कल्चर होता है और मिलती जुलती इनकी लैंग्वेज भी होती है, शक्लें भी इनकी एक जैसी मिलती जुलती, मतलब ये चाइनीज़ कल्चर में आता है सारा कुछ। ये जो जितना भी ये एरिया ना थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इसके अलावा जापान, चाइना, कोरिया, सब इस कैटेगरी में शामिल होते हैं कि ये से इनके बुत वगैरह होते हैं, पूजा वगैरह करते हैं अपनी, जो भी हिसाब किताब इनका। हम तो इतना जानते नहीं हैं इनको, इन दो हमने मंदिर देख लिए, अब तीसरी जगह पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, अब देखते हैं तीसरी जगह भी क्या है। एक तो उन्होंने शोर पीछे बड़ा मचाया हुआ है, बच्चा लेके आ ना, यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, बिल्कुल रोडों के पास पास कितने दरख्त लगे हुए और काटते नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, देखे सफाई चेक करें। मुझे सफाई सुथराई देख के ना ज्यादा खूबसूरत लगता है,
कोई भी चीज है, चाहे आपका घर है, अगर साफ सुथरा रहेगा तो आपको अपना घर भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल साफ सुथरे रोड, और हर बंदा अपने रूल से जा रहा है। वो हालांकि वो रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, तो देखो वो इशारे पे चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के भागी जा रहा है। हर चीज अपने एक सिस्टम में चलती है, तो इसी तरह एक सिस्टम में बंदा चलता है तो अच्छा लगता है, चाहे वो आपका घर है चाहे वो आपका मुल्क है। लड़ाई लग गई है ना जी, मजे लो मजे लो। เพราะว่าหนูพยายามแบบให้ลูกค้าลงกลางทางว่าให้มันต่อแท็กซี่ไปเองป่าจะได้ไม่ต้องไปอย่างนั้นป่าโอเคได้โอเคจบไอคอนสยามโอเคไอคอนสยามนะโอเคชูการ์มาลีโอเคยูกันยูเอลจ้าจ้าจินดาบาดहमने ना आइकन श्याम यहाँ पे कोई जगह है हमें तो नहीं पता। चाचा है बड़ा डाटा चाचा है, बड़ी मुश्किल है मनाया, और बेगमी ने मनाया है, मनता ही नहीं सी आके बैठी बोली इनकी ये बेटी है, ये चाचा, उन्होंने अपनी ना अब अपने फादर को मनाया कि हमें उधर जाना ही जाना है, तो वो सारे विजिटर कह रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से इनकी बहस हो के ना तो अब डन हुआ है कि हमें लेके जा रहे हैं उधर आइकन श्याम पे, डन हो चुका है। और आज देखें कैसा लगा पाकिस्तानी होंडा से मार्केट में कुछ शॉपिंग करेंगे बच्चों के लिए, बेगम के लिए शॉपिंग करेंगे, फिर वापस शाम को घर जाएंगे 5-6 बजे, फिर उधर से निकलेंगे हम कंबोडिया के लिए। कल जाएंगे, कल कंबोडिया जाना है, कल जाना है। मुझे लगा आज जाना चाहिए, आज हमने क्रूज आज सैल मुके ने बोलता क्यों नहीं पे, बड़ा बोल रहा सैल ही मुके ही बैटरी चार्ज करो चार्जिंग लाओ। देखें चाइनीज न्यू ईयर शुरू होने वाला है ना 10 फरवरी को, तो उसके लिए सारी चाइनीज की शॉपिंग कर लें, और ये बाजार से जाए जा रहे सारे, क्योंकि इनका न्यू ईयर शुरू है ना 10 फरवरी को होता है, इनका भी 2024 नहीं अभी शुरू हुआ, 2024 इनका 10 फरवरी को शुरू होगा, तो उसके लिए इन्होंने बाजार से जाना शुरू कर दिया। देखें बैनर लग रहे हैं, और ये चाइनीज बच्चियाँ सारी घूम रही हैं, शॉपिंग हो रही है, स्टॉल लगे हुए, जिसे हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं चांद रात वाला जिस तरह हमारी चांद रात पे रौनक नहीं लगी होती कि ईद आ रही है या बकराईद आ रही है शॉपिंग कर लो, इस तरह ये न्यू ईयर मनाते हैं बड़े कमाल का, तो उसके लिए ये पूरा वैसे ही जतन करते हैं जैसे हम ईद मनाते हैं, इनकी समझे ईद जैसा समा होता है, ये वर्ल्ड से अलग ही चलते हैं। वर्ल्ड में अगर 2024 आ गया तो इनका 2024 10 फरवरी को आएगा, ये भी इंफॉर्मेशन वाली बात है, याद रखिएगा। ये देखें बैंकॉक का रिवर,